सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों के बाहर लंबी कतारों में लगे नजर आए। हर तरफ मंदिरों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जाप से गूंजता मंदिर दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में भी सावन की पहली सोमवार के मौके पर मंदिरों में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या हो या चित्रकूट से लेकर बुलंदशहर, सभी जिलों के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि बीते दो साल कोरोना की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी, मगर इस साल कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले आप अयोध्या से आई तस्वीरें देखिए। यहां ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। यहां आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु यहां से जल लेकर शहर के अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करते नजर आए। बहुत भीड़ है, दो साल के बाद, कोरोना काल पड़ने के बाद दो साल के बाद बहुत भीड़ है यहाँ पे। आज सावन का पहला सोमवार, ऐसे में महादेव को आप लोग जलाभिषेक करेंगे, क्या मन में चल रहा है? मन में चल रहा है कि क्या नाम है, सुख शांति रहे, भोलेनाथ की तरफ से हर हर महादेव। वही सावन महीने में मंदिरों पर भीड़ को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी कैमरे से अयोध्या के सभी मार्गों और मंदिरों की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम पर हमेशा तैनात सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए मठ मंदिरों और महंतों को भी सुरक्षा दी गई है। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर और बैरियर बना करके जितनी कैपेसिटी है उतना अंदर आने दिया जा रहा है और निकास द्वार से निकलते जा रहे हैं सब लोग, तो यहाँ पर व्यापक व्यवस्था है। और इसके अलावा गर्भगृह में निकास द्वार पर, प्रवेश द्वार पर, सभी बैरियरों पर पुलिस बल की ड्यूटी लगा करके उनको ब्रीफ किया गया है। और बाहर से बाहर जनपदों से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आने का जो है मार्ग निर्धारित है, ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम बनाई गई है, उसका पालन किया जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता है। वहीं अयोध्या के बाद अब आप चित्रकूट की तस्वीर देखिए। यहां रामघाट मत्य गजेंद्र नाथ मंदिर में भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। बता दें कि यहां विश्व के इकलौते 5 शिवलिंग वाले महादेव हैं, जिनसे श्रद्धालुओं की अटूट आस्था जुड़ी है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का काफी ज्यादा महत्व है, खासकर इस सावन के सोमवार को पूजा करने से सभी मिन्नतें पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव का महात्म्य और शिव के लिए बहुत ही प्रिय है ये महीना। इसी महीने में भगवान शिव प्रसन्न होकर के और इस धरती को सस्य श्यामला बनाते हैं और इसके साथ ही सारी कृषि सारी उत्पादन को सफल बनाते हैं भगवान। और उसमें सावन महीने में भी जो है सोमवार का बहुत बड़ा महात्मा, इसलिए इस महीने में उनका निश्चित रूप से अभिषेक आदि, पार्थिव पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। अयोध्या और चित्रकूट के बाद अब यूपी के बुलंदशहर की तस्वीर देखिए। यहां गंगेरा स्थित देश के सबसे विशाल महा लिंगेश्वर महापीठ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां 70 फुट ऊंचे शिवालय मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों से स्पर्श कराकर लाए गए द्वादश शिवलिंग मौजूद हैं, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
इस साल सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हुआ है जो कि अगले 12 अगस्त तक चलेगा। कोरोना काल के 2 साल बाद सावन के महीने में पहली बार श्रद्धालुओं को जलाभिषेक की अनुमति दी गई है। अयोध्या हो या फिर चित्रकूट या फिर बुलंदशहर, पहली सोमवारी में जितनी भीड़ देखने को मिल रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे ये भीड़ और बढ़ सकती है, जिसे संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद, चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला और बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।